हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम ईवी बिल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जो कि 16th ऑफ नवंबर से एप्लीकेबल हैं। ईवी बिल पोर्टल पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी चेंजेस इसमें हुए हैं। ईवी बिल में बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हुई हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे और जो भी उसमें आपको डाउट्स होंगे वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, और इसको मैं आपको समझाती जाती हूँ, जो कि ये 16th ऑफ नवंबर से एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट है चेकिंग ऑफ डुप्लीकेट जनरेशन ऑफ ईवी बिल्स बेस्ड ऑन सेम इनवॉइस नंबर। फर्स्ट जो ये आया है चेंजेस, ये डुप्लीकेट जनरेशन ऑफ ईवी बिल आया है। पहले इसमें क्या होता था कि हम किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट जितनी मर्जी बार ईवी बिल को जनरेट कर सकते थे। सिस्टम हमें कोई भी अलर्ट नहीं करता था कि आपने ऑलरेडी ये बना रखा है या आपको अब दोबारा नहीं बना सकते, तो इसमें ये आपको अलर्ट भी करेगा और डुप्लीकेट जनरेट आप ईवे बिल नहीं कर पाएंगे। आगे है द ईवे बिल सिस्टम इज इनेबल नॉट टू अलाउ द कंसाइनर सप्लायर टू जनरेट द डुप्लीकेट ईवे बिल्स बेस्ड ऑन हिज वन डॉक्यूमेंट। अगर कंसाइनर या सप्लायर ईवे बिल जनरेट करता है तो वो डुप्लीकेट ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा होगा तो वो सब कुछ चेक करेगा, सिस्टम आपका चेक करेगा, डुप्लीकेट बेस्ड ऑन द कंसाइनर GSTN नंबर चेक होगा, डॉक्यूमेंट टाइप चेक होगा एंड डॉक्यूमेंट नंबर चेक होगा। तो ये सारा का सारा चेक होगा। अगर ये डुप्लीकेट होता है तो वो सिस्टम जो है वो उसको अलाउड नहीं करेगा जनरेट करने के लिए ईवी बिल। इवन द ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी, अगर इवन ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी इज नॉट अलाउड टू जनरेट द ईवी बिल ऑन द सेम इनवॉइस नंबर ऑफ दैट कंसाइनर इफ ऑलरेडी वन हैज बीन जनरेटेड बाय द कंसाइनर। ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी के केस में क्या होगा कि अगर वो जनरेट कर रहे होंगे ईवी बिल, तो इफ ऑलरेडी वन हैज बीन जनरेटेड बाय द कंसाइनर, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी को सेम ईवी बिल जनरेट करने के लिए। सिमिलरली, इफ द ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी हैज जनरेटेड वन ईवी बिल ऑन द कंसाइनर्स इनवॉइस। अभी हमने कंसाइनर की बात की, सप्लायर और कंसाइनर की, और ऐसे ही अगर ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी जनरेट करेंगे ईवी बिल तो उसमें भी यही होगा। देन एनी अदर पार्टी, अगर ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी ने ईवी बिल जनरेट कर रखा होगा और अदर पार्टी अगर जनरेट कर रही होगी, तो सिस्टम उसको अलर्ट करेगा कि ऑलरेडी ईवी बिल इस इनवॉइस का बना हुआ है। अगर वो फिर भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फर्दर इट अलाउज हिम टू कंटिन्यू इफ ही वांट्स। अगर वो करना चाहेंगे, उसको ईवी बिल को दोबारा जनरेट करना चाहेंगे, तो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंसाइनर और सप्लायर के केस में वो अलाउ ही नहीं करेगा ईवी बिल डुप्लीकेट जनरेट करने के लिए, और ट्रांसपोर्टर और कंसाइनी के केस में वो आपको अलर्ट करेगा सिस्टम, और अगर फिर भी आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अदर पार्टी उसको कंटिन्यू कर रही है, तो वो उसको अलाउ कर देगा। फर्स्ट जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज था। अब सेकंड है सीकेडी एसकेडी लॉट्स फॉर मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसाइनमेंट। इसमें क्या होगा, जैसे बहुत सारा सामान अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो वो हम वन गो में नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम में हम उसको नहीं भेज सकते, तो हम क्या करते हैं उसको बैचेस में भेजते हैं, लॉट्स में भेजते हैं, एक ही साथ हम उसको नहीं भेज सकते। तो सीकेडी एसकेडी लॉट सप्लाई टाइप्स कैन बी यूज फॉर मूवमेंट ऑफ द बिग कंसाइनमेंट इन बैचेस, क्योंकि ये जो बिग कंसाइनमेंट होता है और बैचेस में ही भेजा जाता है। व्हेन वन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री इज देयर, इसमें क्या होता है कि टैक्स इनवॉइस होता है और बिल ऑफ एंट्री ये एक ही होता है आपके पास, बट द गुड्स आर मूव्ड इन बैचेस फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट। जो सामान जाता है वो बैचेस के थ्रू जाता है, और इसमें आपका जो सामान है वो बैचेस के थ्रू जाता है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, डिलीवरी चलान। बैचेस वाइज जब सामान जाएगा तो हमें डिलीवरी चलान बनाना होता है। हेयर द बैच कंसाइनमेंट विल हैव डिलीवरी चलान अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री इन मूवमेंट। तो ऐसे ऐसे करके जब बैचेस वाइज सारा सामान हमारा जाता है, तो डिलीवरी चलान जब लास्ट वाला होता है, लास्ट बैच में जो डिलीवरी चलान होता है, उसी के साथ हम ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस भी भेज देते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले ईवी बिल में क्लैरिफाई नहीं थी, बट अब वो क्लैरिफाई अच्छे से कर दी गई हैं।
इसी के साथ सम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स विल बी इन बिग कंसाइनमेंट. अब हम जब गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं सीकेडी एसकेडी के थ्रू, तो जब हम इम्पोर्ट्स करते हैं विल बी इन बिग कंसाइनमेंट, ये भी बिग कंसाइनमेंट होता है एंड मे नॉट बी मूव्ड इन वन गो फ्रॉम द सप्लायर और टू द रेसिपिएंट. हैंस सीकेडी एसकेडी लॉट सप्लाई कैन बी यूज फॉर दिस. ऐसे ही सीकेडी एसकेडी हम यूज करते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम में हम सामान सारा नहीं मूव कर सकते. अब इसमें एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हो, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के केस में क्या होता है, द बिल टू पार्टी विल बी यूआरपी, यूआरपी अनरजिस्टर्ड पार्टी. अगर आप एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट कर रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो बिल टू में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यूआरपी अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो आपने यूआरपी लिख देना है, और अगर एसजेड पार्टी है तो आपने उसका जीएसटीएन नंबर लिख देना है. विथ स्टेट हैज अदर कंट्री, स्टेट में आपने अदर कंट्री लेना है, एंड शिपिंग एड्रेस एंड पिन कोड विल बी ऑफ द लोकेशन. लोकेशन आप क्या दे देंगे, एयरपोर्ट, शिपिंग यार्ड, बॉर्डर चेक पोस्ट. लोकेशन आपकी वो होगी जहाँ से एयरपोर्ट में शिपिंग आपका सारा पोस्ट होगा. फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट इज मूविंग आउट फ्रॉम द कंट्री, ये आपका एक्सपोर्ट के केस में होगा. तो ये क्लैरिफाई पहले नहीं था, ये भी ऑप्शन नहीं था पहले ईवे बिल में, बट ये ईवे बिल में इस बार क्लैरिफाई किया गया है. ऐसे ही अगर आप सीकेडी एसकेडी लॉट्स ऑफ इंपोर्ट करते हैं कंसाइनमेंट, तो उस केस में बिल फ्रॉम में आपने, ये भी बिल्कुल सेम है एक्सपोर्ट की तरह, बिल फ्रॉम में आपने पार्टी विल बी में अनरजिस्टर्ड पार्टी ले लेनी है, और एसईजेड में अगर एसईजेड पार्टी है तो आपने उसका जीएसटी नंबर लेना है, स्टेट होगा तो आपने अदर कंट्री सेलेक्ट करना है, एंड डिस्पैचिंग एड्रेस एंड पिन कोड विल बी ऑफ द लोकेशन, एयरपोर्ट, शिपिंग यार्ड, बॉर्डर चेक पोस्ट, वो आपने उसकी लोकेशन दे देनी है, फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट इज एंटर्ड द कंट्री, ये आपने करना है. अब नेक्स्ट है शिपिंग एड्रेस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई टाइप. अभी ये जो हमने किया था, जैसा हमने सीकेडी एसकेडी के सिस्टम में पढ़ा था, सीकेडी एसकेडी जो भी हमने केस में पढ़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अब वैसे ही इसमें भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन थी, तो इसको भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है. यहाँ पे सीकेडी एसकेडी कम्प्लीटली नॉकडाउन एंड सेमी नॉकडाउन है इसका मीनिंग, जिसमें हम एक साथ कम्प्लीटली नॉकडाउन मतलब हम एक साथ सारा सामान या आधा आधा करके हम सामान को मूव करते हैं. नेक्स्ट है शिपिंग एड्रेस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई टाइप. अब अगर हम इसमें एक्सपोर्ट करते हैं सप्लाई टाइप, तो फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई टाइप द बिल टू, इसमें भी आपने क्या कर लेना है, बिल टू में पार्टी विल बी यूआरपी, अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी होगी तो आपने यूआरपी ले लेना है, अगर एसईजेड पार्टी है तो आपने जीएसटी नंबर ले लेना है, विद स्टेट एज अदर कंट्री, स्टेट को आपने अदर कंट्री लेना है, एंड शिपिंग एड्रेस एंड पिन कोड विल बी ऑफ द लोकेशन, लोकेशन में आपने एयरपोर्ट, शिपिंग यार्ड, बॉर्डर, चेक पोस्ट, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है. फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट इज मूविंग आउट फ्रॉम द कंट्री, जहां से कंट्री से कंसाइनमेंट मूव हो रहा है. नेक्स्ट है डिस्पैचिंग एड्रेस इन केस ऑफ इम्पोर्ट सप्लाई टाइप. जैसे हमने सीकेडी एसकेडी में इम्पोर्ट सप्लाई पढ़ा था, वैसे इसमें अगर आपका सिंपल इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट सप्लाई टाइप होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर इम्पोर्ट सप्लाई द बिल फ्रॉम में आपने पार्टी विल बी, अगर पार्टी आपकी यूआरपी है तो आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, और एसईजेड पार्टी है तो वहाँ पे आप जीएसटी नंबर लेंगे, स्टेट में अदर कंट्री ले लेंगे, एंड डिस्पैचिंग एड्रेस एंड पिन कोड विल बी ऑफ द लोकेशन, ये सेम है एयरपोर्ट, शिपिंग यार्ड, बॉर्डर चेक पोस्ट ही आपको लेना है, फ्रॉम वेयर द कंसाइनमेंट इज एंटर्ड द कंट्री. ये सेम केस है सीकेडी एसकेडी के जो हमने केस में पढ़ा था. अब इससे नेक्स्ट है बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस. बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस में भी हमारी फोर टाइप की ट्रांजेक्शंस होती हैं, जिसको बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज थे इसमें, तो इसको भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है. देर आर फोर टाइप्स ऑफ बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस. दीज टाइप्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन द बिलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जिसमें डिपेंड करता है कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है बिल में और गुड्स ऑफ मूवमेंट में. तो फर्स्ट है रेगुलर, ये नॉर्मल है, दिस इज अ रेगुलर और नॉर्मल ट्रांजेक्शन वेयर बिलिंग एंड गुड्स मूवमेंट आर हैपनिंग बिटवीन टू पार्टीज. टू पार्टीज में ये होता है मूवमेंट, कंसाइनर एंड कंसाइनी. दैट इज द बिल एंड गुड्स मूवमेंट फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी टेक्स प्लेस डायरेक्टली, जिसमें नॉर्मली कंसाइनर से कंसाइनी में जो गुड्स होते हैं, गुड्स की मूवमेंट होती है.
Next है build to ship to. In this type of transaction, three parties are involved. Build to ship to में क्या होता है? Three parties involved होती हैं. Billing takes place between consignor and consignee, but the goods move from consignor to the third party. Consignor के through जो goods move होते हैं, वो third party के through होते हैं, as per the request of the consignee. As it is, bill from me, dispatch from. In this type of transaction, also three parties are involved. Billing takes place between consignor and consignee, but the goods are moved by the consignor from the third party to the consignee. तो इसमें भी आपका bill from और bill to में dispatch के through होता है. उसके बाद next है combination of both, bill to ship to and bill from. इन दोनों के combination होता है combination of both. जिसमें क्या क्या आएगा? Bill to ship to and bill from. क्या है इसमें? This is the combination of above two transactions and involves four parties. इसमें four parties involved रहती हैं. Billing takes place between consignor and consignee. Billing जो होती है वो consignor and consignor के बीच में होती है. But the goods are moved by the consignor from the third party to the fourth party. Goods are moved by the consignor. Consignor के through goods move हो रहे हैं from the third party to the fourth party as per the consignee's request. ये है हमारा bill to ship to transactions four types. इसको भी बहुत अच्छे से clear किया हुआ है. Changes in bulk generation tool. जैसे हमें बहुत सारे generate करने होते हैं, हम एक साथ बहुत सारे e-way bill generate करते हैं, तो हमारे पास e-way bill portal पे ही option आता था bulk generation of ईवे बिल. तो ईवे बिल हम एक साथ बहुत सारे जनरेट कर सकते थे. तो इसमें न्यू कॉलम्स हैव बीन एडेड. न्यू कॉलम्स को ऐड किया जाएगा बल्क जनरेशन टूल में और द सेम विल बी रिलीज ऑन 16 नवंबर 2018 से ही जो हमारे बल्क जनरेशन हम ईवे बिल बहुत सारे ईवे बिल को हम एक साथ जनरेट करते थे उसमें बहुत सारे न्यू कॉलम्स और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो ऐड की जाएंगी. तो ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो अभी 16 नवंबर 2018 से एप्लीकेबल होने वाले हैं. तो अगर आप लोगों के लिए ईवे बिल रिलेवेंट है तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.